तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत है तैयार, चेन्नई में करेगा जोरदार बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत 8 अक्टूबर को वनडे वर्ल्ड कप का अपना पहला मुकाबला खेलेगी और ये मुकाबला चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की विकेट स्पिन फ्रेंडली है, स्पिन को मदद करती है। तो किस प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ रोहित शर्मा इस पहले मुकाबले में खेलेंगे, क्या आर अश्विन को इस मुकाबले में मौका मिलेगा, क्या भारत 3 स्पिनर्स के साथ इस मुकाबले में उतरेगा या फिर अश्विन के लिए कुलदीप यादव की कुर्बानी देंगे रोहित शर्मा। तो किस प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ रोहित शर्मा इस मुकाबले में उतर सकते हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी और यह मुकाबला चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की जो विकेट है वो स्पिन फ्रेंडली है, स्पिन को मदद करती है। और अगर बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 से ठीक पहले अपने स्क्वाड में एक बदलाव किया है, आर अश्विन को टीम इंडिया में शामिल किया है और अक्षर पटेल को स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो अगर आर अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो टीम इंडिया को 3 स्पिनर्स के साथ इस मुकाबले में उतरना होगा। अगर टीम इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ उतरती है और आर अश्विन को मौका देती है तो यहां पर कुलदीप यादव की कुर्बानी टीम इंडिया दे सकती है। लेकिन बात करते हैं आर अश्विन के साथ, अगर 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया इस मुकाबले में उतरती है तो रविंद्र जडेजा, उसके साथ रविचंद्र अश्विन और कुलदीप यादव, ये तीनों गेंदबाज घातक साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब मार्च में, यानी कि 2023 में ही मार्च में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मुकाबला खेला था इंडिया ने, तो वहां पर 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने निकाल दिए थे। और जो पिछला मुकाबला हुआ है अश्विन ने इस मुकाबले में, इस सीरीज में जो 3 मुकाबलों की सीरीज हुई थी उस मुकाबले में जब अश्विन खेले थे तो वहां पर 3 विकेट निकाले थे। और अश्विन का जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भी शानदार है। ऐसे में आर अश्विन को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया इस मुकाबले में उतरेगी या फिर 2 स्पिनर्स के साथ जाएगी, तो किसकी कुर्बानी होगी। कुलदीप यादव की यहां कुर्बानी हो सकती है अगर 2 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया जाती है, लेकिन अगर 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया जाती है तो शार्दुल ठाकुर बाहर होंगे और जो प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार होगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले में। उसके साथ विराट कोहली 3 नंबर पर, 4 नंबर पर होंगे सुरेश अय्यर, 5 नंबर पर आपको केएल राहुल दिखेंगे, 6 नंबर पर आपके हार्दिक पांड्या होंगे जो तीसरे सीमर होंगे, उसके साथ रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और सिराज। तो ये होगी प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को अपने पहले वनडे मुकाबले के लिए वर्ल्ड कप 2023। और बात करें रविचंद्र अश्विन की, तो रविचंद्र अश्विन का होम ग्राउंड है चेन्नई और बहुत क्रिकेट खेली है रविचंद्र अश्विन ने, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविचंद्र अश्विन का रिकॉर्ड है वो भी शानदार है। पिछले मुकाबले में भी 3 विकेट चटकाए थे रविचंद्र अश्विन ने। ऐसे में प्लेइंग 11 में जगह रविचंद्र अश्विन की बनती है तो 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया इस मुकाबले में उतर सकती है। लेकिन अगर 2 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया गई तो फिर यहां पर कुलदीप यादव को अपनी कुर्बानी देनी होगी और टीम इंडिया फिर 3 सीमर्स के साथ जाएगी और हार्दिक पांड्या चौथे सीमर्स होंगे और 2 स्पिनर्स होंगे रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा। तो आपको क्या लगता है कि कुलदीप यादव की कुर्बानी यहां पर रोहित शर्मा को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो कुलदीप यादव हैं वो ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं, एस फैक्टर साबित हो सकते हैं। और जिस तरीके की फॉर्म में है कुलदीप यादव, एशिया कप में उनकी शानदार फॉर्म रही, ऐसे में आप कुलदीप यादव के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है और आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी करती है। ऐसे में फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम इंडिया को उतरना चाहिए और 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया को उतरना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया पर काला बार करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि 8 अक्टूबर को कौन मुकाबला जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।